बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जॉब्स के बारे में है। अच्छा ठीक है जी, इसमें पहले नंबर पर असिस्टेंट की जॉब है। बीपीएस 15 हैं, दो पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और 6 वीक का बीआईटी का कोर्स फ्रॉम एनआईटीबी से किया हो और कंप्यूटर जानता हो। एज लिमिट 18 से 28 साल मांगी हुई है और एक ओपन सीट है, एक सिंधार की सीट है। दूसरे नंबर पर स्टेनोटाइपिस्ट, बीपीएस 14, 5 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन इंटर मांगी हुई है, स्पीड 40 शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग स्पीड 40 हो, 80 टाइपिंग शॉर्ट हैंड स्पीड और 40 पैसे टाइपिंग मांगी हुई है, कंप्यूटर जानता हो। और ये एज लिमिट इसकी 18 से 25 साल है, दो ओपन मेरिट पे हैं, एक पंजाब माइनॉरिटीज़, एक सिंधार की है और एक एक्सफाटा की सीट है। तीसरे नंबर पे जी यूडीसी, बीपीएस 13, 2 सीटें हैं इसकी भी, क्वालिफिकेशन इंटर मांगा हुआ और ये 3 हफ्ते का बीआईटी का कोर्स हो और एज लिमिट 18 से 25 है, एक ओपन सीट है ओपन मेरिट पे है, एक सिंधी की है। चौथे नंबर पर यूडीसी की है, बीपीएस 11 है, 5 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन मैट्रिक, टाइपिंग स्पीड 30 की हो और बीआईटी का कोर्स किया हो। इसकी एज लिमिट भी 18 से 25 है, दो ओपन मेरिट की सीटें हैं, एक सिंध यू की, एक सिंधार की है, एक एक्स फाटा की सीट है। उसके बाद जी पाँचवें नंबर पर डिस्पैच राइडर की है, बीपीएस 4 है इसका, 2 सीटें हैं, प्राइमरी पास हो और लाइसेंस हो, एज इसकी 18 से 30 है, एक इस्लामाबाद की है और एक अदर। उसके बाद जी छवें नंबर पर नायब कासर की, 2 सीटें हैं, क्वालिफिकेशन प्राइमरी, 18 से 25 एज लिमिट है, इसमें भी एक इस्लामाबाद की सीट है और एक अदर है। तो उसके बाद इसका अप्लाई कैसे करना है, 15 दिन के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप नेशनल जॉब पोर्टल पे भी अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन दी हुई इन्होंने और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपने एनओसी इंटरव्यू का टाइम देनी है। ये जी इसमें इतना कुछ लिखा हुआ है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल जॉब पोर्टल पे किस तरह अकाउंट बनाना है, किस तरह करना है, ये इसके बारे में आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।